धोनी के बिना इंडियन क्रिकेट टीम कभी आईसीसी ट्रॉफी घर ला पाएगी? आपको बता दें कि आखिरी बार इंडियन आईसीसी ट्रॉफी 2013 में वर्ल्ड चैंपियन जीत कर लाई थी। उसके बाद से इंडिया हमेशा जीत के करीब जाकर मार खा जाती है। चाहे वो 2014 का T20 वर्ल्ड कप हो या 2015 का ODI वर्ल्ड कप, हम बाजी मारते मारते रह जाते हैं। इस समय ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के हाथों सेमीफाइनल में 10 विकेट से हार कर बाहर हो गई है। लेकिन आपको बता दें, ये हाल सिर्फ अभी का नहीं है। इंडिया पिछले 10 सालों से फैंस को निराश करती आ रही है। अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो जब ICC ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंट्रोड्यूस किया था, तो धोनी की कैप्टेंसी में इंडिया ने पहली बार में ही ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया था। मगर उसके बाद से हम एक भी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने घर नहीं ला पाए हैं। और फैंस 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ही एक ICC ट्रॉफी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब विराट कोहली को हटाकर स्टार ओपनिंग बैट्समैन रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया था, तो सबकी उम्मीदें रोहित पे टिकी थी कि वो T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमारे घर वापस लाएंगे। आपको बता दें कि रोहित शर्मा का बतौर कप्तान जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। चाहे वो IPL हो या इंटरनेशनल क्रिकेट, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता है। इंडिया को उनसे अगले साल भारत में होने वाले ODI वर्ल्ड कप के लिए काफी उम्मीदें हैं। हार जीत तो लगी रहती है, पर हम एक टूर्नामेंट से अपने टैलेंटेड क्रिकेटर्स पर डाउट नहीं कर सकते। इस समय उन्हें हमारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सो कीप सपोर्टिंग इंडियन क्रिकेट टीम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।